मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। जूनियर छात्रों को लाइन में खड़ा करके सीनियर छात्रों ने इन्हें थप्पड़ मारा है। सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के शासकीय मेडिकल कॉलेज के जूनियर छात्रों से रैगिंग करने वाले सीनियर छात्रों पर FIR भी दर्ज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों पर कार्रवाई करते हुए इन्हें 1 साल के लिए कॉलेज से निष्कासित भी कर दिया है और बाकी के छात्रों की पहचान भी की जा रही है। पहचान होने के बाद इन पर कार्रवाई होगी। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 7 छात्रों पर FIR दर्ज की गई है। 28 रात का है जिसमें कुछ जूनियर्स को मतलब जो जूनियर्स है 2021 की बैच के तो सीनियर्स बैच लाइनअप जो एक साथ लाइन में करके एक वीडियो हमारे पास भी आया था थ्रू वार्डन और 2 कंप्लेन साइमल्टेनियसली उसी रात को और नेक्स्ट डे मॉर्निंग एक NMC गाइडलाइन जो NMC हमारी जो बॉडी है उसके थ्रू भी एक में कंप्लेन हुई है हेल्पलाइन से डायरेक्टली GMC रतलाम पे और एक कंप्लेन उसी दिन रात को हॉस्टल का एक मेल ID है उसके थ्रू डीन रतलाम पे एक मेल आया था रिलेटेड विद द रैगिंग ओनली जी। तो इस संदर्भ में फिर इमीडिएटली जैसे हमको पता चला हमने एंटी रैगिंग सर ने एक ऑर्डर निकाला इमीडिएटली मीटिंग ली जाए तो मीटिंग हमने कल परसों भी इवनिंग को लिया था कुछ इंक्वायरी परसों की और कल सुबह 11 बजे मीटिंग लेके जो इंक्वायरी करनी थी उस इंक्वायरी के आधार पे फिर डिसीजन एक रिकमेंडेशन प्रस्तुत किया सर।